हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। आज हम बात करने वाले हैं इंग्वाइनल हर्निया की। हमने लास्ट कुछ वीडियोस में बात की थी इंग्वाइनल कैनाल की, अब हम बात करेंगे उसके हर्निया की। तो इंग्वाइनल हर्निया में आ जाने से पहले हमें एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, वो है हेजलबैक ट्रायंगल। हेजलबैक ट्रायंगल जो है वो पोस्टीरियर वॉल जो है इंग्वाइनल कैनाल की उसमें होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, ये इंग्विनल लिगामेंट, ये जा रही है इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ये है मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट जो कि क्या है, ओब्लिट्रेटेड अम्बिलिकल आर्टरी जो है उसको हम मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बोलते हैं। मतलब पहले अम्बिलिकल आर्टरी जो थी वो बंद हो जाती है बाद में बर्थ के बाद, और मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बन जाता है। तो ये जो तीनों चीज़ें मिलके जो ट्राइंगल बना रही है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है इसे हम बोलते हैं हेजलबैक्स ट्रायंगल। तो अगर इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो बाउंड्री लेटरल, ये है हमारा लेटरल और ये है हमारा मीडियल। तो इसकी लेटरल बाउंड्री कौन बना रहा है, ये ट्रायंगल है तो इसकी लेटरल बाउंड्री इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी ने बनाई। तो लेटरल बाउंड्री बनाई इन्फीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी। मीडियल बाउंड्री किसने बनाई, ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल का जो लेटरल बॉर्डर है उसने बनाई इसकी मीडियल बाउंड्री। तो यहाँ पे आ जाएगा लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस। ठीक है, तो लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस एब्डोमिनिस। उसके बाद जो इसका बेस जो है, ये जो ट्रायंगल का बेस है ये किसने बनाया, ये इंग्वाइनल लिगामेंट ने बनाया। तो ये जो है ये है हमारा हेजलबैक्स ट्रायंगल। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हर्निया जो है ना वो दो तरह से हो सकता है, इंग्विनल हर्निया जो है, एक तो या तो वो इंग्विनल कैनाल के थ्रू हो सकता है या फिर वो पोस्टीरियर वॉल में इस ट्रायंगल के थ्रू हो सकता है, उसकी हम बात अभी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्निया क्या होता है। हर्निया की बात करें तो हर्निया क्या है, प्रोट्रूजन है। किसकी प्रोट्रूजन, कोई भी एब्डोमन का कंटेंट, कंटेंट किसका, एब्डोमन का, वो उसकी किसी वॉल से, एब्डोमन की दो वॉल होती है ना, एक एंटीरियर वॉल और एक पोस्टीरियर वॉल। तो अगर एब्डोमन की किसी वॉल से एब्डोमन का कोई कंटेंट बाहर की तरफ आ रहा है तो उसे हम हर्निया बोलेंगे। ठीक है, ये तो होता है कौन सा हर्निया, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल हर्निया। मतलब बाहर की तरफ अगर आ रहा है तो एक्सटर्नल हर्निया। एक होता है इंटरनल हर्निया, अब ये इंटरनल हर्निया क्या है ना, ये है प्रोट्रूजन, कंटेंट एब्डोमन का ही होगा लेकिन प्रोट्रूड हो रहा है नो एंट्री जोन के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर कुछ नो एंट्री जोन है उसके अंदर ही अगर ये चला जाए कोई एब्डोमन का कंटेंट तो उसे इंटरनल हर्निया कहते हैं। नो एंट्री जोन की बात करें तो जैसे एपिप्लोइक फोरामेन हो गया, तो एपिप्लोइक फोरामेन एक नो एंट्री जोन हो गया, अगर उसके अंदर कोई कंटेंट जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे हम, इंटरनल हर्निया। अब हर्निया के अंदर नेक्स्ट जो आता है ना वो है पार्ट्स ऑफ हर्निया, पार्ट्स ऑफ हर्निया। अब हर्निया के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, कोई भी हर्निया होगा ना उसके अंदर तीन मेन पार्ट होंगे। सबसे पहला होगा सैक, एक कंटेंट होगा उसका, और एक होती है कवरिंग। तो इस डायग्राम से अगर हम देखें, तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये क्या हुआ, ये सबसे अंदर जो है ये रेड कलर में, ये है कंटेंट। कंटेंट मेनली जो होता है वो लूप ऑफ द इंटेस्टाइन होता है। उसके बाद जो है वो है सैक। सैक क्या होता है, पेरिटोनियम की प्रोट्रूजन है। पेरिटोनियम मतलब कोई भी हर्निया होगा, कोई भी अगर एब्डोमन का कंटेंट है उसके ऊपर पेरिटोनियम की लेयर तो उसको कवर करती है ना, तो कोई भी अगर कंटेंट बाहर भी आएगा तो उसके ऊपर कवरिंग तो होगी ना पेरिटोनियम की भी, तो वही होता है सैक ऑफ द हर्निया। उसके बाद बाहर की बात करें तो वो है कवरिंग्स ऑफ द हर्निया। और ये जो सैक है ना, ये हमने सैक की बात की, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इसकी होती है नेक और एक इसकी जो बॉडी होती है, बड़ा पार्ट बॉडी और नैरो पार्ट नेक होता है। तो जो कवरिंग की हमने अभी बोला, मैंने बोला कवरिंग्स, तो कवरिंग्स क्या होती है ना, लेयर होती है एब्डोमिनल वॉल की जो हर्नियल सैक को कवर करती है। मतलब एब्डोमन के अंदर कोई भी कंटेंट है
उसकी कवरिंग होगी, जैसे बाहर स्किन है उसके अंदर जाते जाएंगे सुपरफिशियल फेशिया, उसको उसके बाद जो अलग अलग फेशिया और पेरिटोनियल टिश्यू वगैरह आते जाएंगे। तो इसी तरह कोई हर्निया भी अगर बाहर की तरफ आ रहा है, कोई भी चीज़ बाहर की तरफ ऐसे निकल रही है, मान लो ये हमारी एंटी एबडोमिनल वॉल है, इससे कोई भी चीज़ बाहर भी निकलेगी तो इसकी जो स्किन वगैरह थी वो सब भी तो उसके साथ ही निकलेंगे ना बाहर, तो वही सब कवरिंग बनाते हैं इसकी हर्निया की। अब नेक्स्ट जो आता है वो है मेन जो हम जिसकी बात करने वाले हैं, इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है, हर्निया क्या था, प्रोट्रूजन था। अगर अब वही प्रोट्रूजन इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू आए या फिर इंग्वाइनल कैनाल की किसी वॉल के थ्रू आए, पोस्टीरियर वॉल के थ्रू मेनली होता है, अगर उनकी थ्रू आए या तो कैनाल के थ्रू या वॉल के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ये हमारा जो मॉडल था इसके अंदर ये एंटीरियर वॉल थी, ये पोस्टीरियर वॉल थी। ठीक है, एंटीरियर वॉल बनाई थी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के एपोन्यूरोसिस ने, पोस्टीरियर वॉल फेशिया ट्रांसवर्सलिस। अब ये थी डीप रिंग ओवल जो थी, और ये थी सुपरफिशियल रिंग जो ट्रायंगुलर थी। अब अगर कोई भी चीज़, कोई भी एब्डोमन का कंटेंट इस डीप रिंग के थ्रू आए कैनाल में जाके और यहाँ से बाहर निकले, कोई भी एब्डोमन का कंटेंट, तो यहाँ से बाहर क्या था, नीचे टेस्टिस बन रहे थे स्पर्मेटिक कॉर्ड के थ्रू, या नीचे जाके क्या टेस्टिस थे ना, तो ये कोई भी कंटेंट आएगा तो ये कहाँ जाएगा, स्क्रोटम के अंदर चला जाएगा। तो यही है, या तो वो हो सकता है कि इस कैनाल के थ्रू आए, या तो इस कैनाल के थ्रू कोई चीज़ बाहर आए, या फिर कोई चीज़ क्या हो सकता है, इस पोस्टीरियर वॉल से, यहाँ पे कोई भी एब्डोमन का कंटेंट डायरेक्टली इस पोस्टीरियर वॉल को, अगर ये पोस्टीरियर वॉल वीक हो जाएगी ना तो इसके अंदर से ही कोई भी चीज़ बाहर आ सकती है, या तो इसके थ्रू आए या फिर इसके थ्रू आए। इसके थ्रू अगर आता है ना पोस्टीरियर वॉल के थ्रू, उसे कहते हैं हम डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। और अगर कैनाल के थ्रू मतलब डीप रिंग से होगा, फिर कैनाल में जाएगा, फिर सुपरफिशियल रिंग से होते स्क्रोटम में जाए, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर ओब्लिक। ओब्लिक तो होगा ही ना, क्योंकि हमारा इंग्वाइनल कैनाल क्या था, ओब्लिक इंटरमस्कुलर पैसेज ही तो होता है, तो ओब्लिक तो होगा ही। तो हमने इनडायरेक्ट में बात की कि कैनाल के थ्रू आएगा, तो इसमें क्या क्या आएगा, पहले डीप रिंग के थ्रू कैनाल में जाएगा, फिर सुपरफिशियल रिंग में जाएगा, उसके बाद स्क्रोटम के अंदर। जबकि जो डायरेक्ट वाला है वो क्या है, प्रोट्रूजन है थ्रू वीक पोस्टीरियर वॉल, मतलब इसमें पोस्टीरियर वॉल अगर इंग्विनल कैनाल की वीक हो जाए तो उसके थ्रू बाहर आता है, और वो जो पोस्टीरियर वॉल हमने बात की थी ना, वही वहीं पे होता है हेजलबैक ट्रायंगल। तो मेनली कोई भी चीज़ अगर डायरेक्ट हर्निया में अगर निकलती है ना, तो वो हेजलबैक ट्रायंगल से बाहर निकलती है। अब जो हेजलबैक ट्रायंगल हमने बात की थी, इसके अंदर जो हेजलबैक ट्रायंगल जो था हमारा, ये हमारा हेजलबैक ट्रायंगल था, इसको जो है ये जो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट था ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये एक लेटरल वाला, ये लेटरल पार्ट है और ये है मीडियल पार्ट। तो ट्रायंगल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है हेजलबैक ट्रायंगल। तो अब अगर इसी की बात यहाँ पे करें, तो अगर हेजलबैक ट्रायंगल के थ्रू हो रहा है तो वो क्या है, डायरेक्ट इंग्विनल हर्निया है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो इनडायरेक्ट हमारा हर्निया है ना, वो तो मेनली होता है मेल इन्फेंट्स या फिर बच्चों में, मतलब मेल इन्फेंट्स में होगा या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर होगा। जबकि जो ये वाला है डायरेक्ट वाला, ये होता है ओल्ड पीपल के अंदर, ज़्यादातर जो ओल्ड जो बूढ़े आदमी होते हैं ना, उनके अंदर मेनली चांसेस होते हैं डायरेक्ट हर्निया होने के, क्योंकि उनकी पोस्टीरियर वॉल वीक हो जाती है। एक और जो बात आती है इसके अंदर वो ये है कि इनडायरेक्ट वाले में नेक जो है वो पतली होती है, नेक नैरो है, जबकि डायरेक्ट वाले में नेक थोड़ी वाइड है, नेक इसमें बड़ी है, इसमें नेक पतली है। पतली है तो कोई भी इंटेस्टाइन हुआ या कुछ भी अगर कंटेंट जा रहा है तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन इसमें कॉमन है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इतनी कॉमन नहीं है। तो ये हमने बात की इंग्वाइनल हर्निया की, अगली वीडियो में हम इसकी कवरिंग्स की बात करेंगे इंग्वाइनल हर्निया की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।